अस्सलाम वालेकुम। आमिर बहुत अच्छे इंसान है, वो हमसे दोस्ती करना चाहते थे। तुम आमिर के साथ यहाँ क्या कर रही हो अलीना? हमारी तबीयत खराब थी और अलीना हमारे लिए सिर्फ खाना लाई थी, और फिर हमें इस डॉक्टर के पास ले गई। हम सब की ख्वाहिश है, अबू की है, हमारी, अम्मी की, के तुम्हें हमारे पसंद किए हुए रिश्ते से कोई हर्ज नहीं होगा। अलीना चाहे लाख बार मना करे, उसका बर्ताव हमें साफ बताता है कि वो आमिर को पसंद करती है। अलीना छुपाने की लाख कोशिश करे, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वो घर वालों से डरकर अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला पा रही है। आज तक हमने ना जाने कितनी औरतों को जुल्म के चंगुल से बचाया है, उनके हक की लड़ाई लड़ी है। यह सवाल तो हमारी खुद की अलीना का है, उसकी जिंदगी का सवाल है। हम उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी ज़ारा भाभी को ऐसे लगता है कि हम सब मिलकर तुम पर दबाव डाल रहे हैं। जो भी फैसला लो, सोच समझ कर लेना। अपने दिल की बात बोलो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अम्मी, आज साबित कर दिया तुमने कि तुम बेटी नहीं बहू ही हो। अम्मी आप क्या कह रही हैं? तुम अच्छी तरह जानती होगी हम क्या कह रहे हैं। मानते हैं कि तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, पर बदले में हमने भी तुम्हें बेटी का दर्जा दिया है। आज जो तुम अलीना के निकाह के मसले पर जोर देकर तुमने ये साबित कर दिया है जारा, कि पहले तुम काजी साहब की बेटी हो। अपने अब्बू के बनाए हुए झूठे निकाह नामे को सच साबित करने के लिए तुम अलीना की शादी कहीं और नहीं होने देना चाहती, यही सच है ना सर? मैं आप हमें जानती हैं, हम आपकी ज़ारा है, हमें अब्बा की फिक्र है, लेकिन अम्मी हम अलीना को ताक पर रख के अब्बा की इज्जत की हिफाजत करना नहीं चाहते। हम कुछ सुनना नहीं चाहते ज़ारा, हम बस इतना जानते हैं कि हमारी बेटी का मुस्तकबिल अच्छा हो। हम वो चाहते हैं कि उसे वो सब कुछ मिले जो उसे बचपन में मिला है, उसे वो सारी ऐशो आराम मिले जो हम देते आए, उसे एक ऐसा शौहर मिले जो उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा सके। हम अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान के सिरे नहीं बांधेंगे जो खुद सहारे का मोहताज हो। अम्मी हम भी अलीना के हक में अच्छा ही चाहते हैं। अम्मी हम खुद चाहते हैं कि अलीना की शादी एक ऐसे घर में हो जहाँ नेक लोग बसते हो, जहाँ सुबह की शुरुआत कुरान की तिलावत से हो, जहाँ बड़ों को इज्जत दी जाती हो। अम्मी वो ऐशो आराम वाला घर किस काम का, जहाँ पर दिल ही ना लगे। हम चाहते हैं कि अलीना की शादी उसकी मर्जी से हो, जहाँ वो कबूल है लफ्ज अपने होठों से नहीं अपने दिल से अदा करे। अम्मी तुम्हारी कभी मत हमारे घर आने की, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, हम कह रहे हैं, जाओ यहाँ से। कबीर, कबीर एक बार सुन तो लो, वो कहना क्या चाह रहा है। कबीर, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, इनसे कहो ये यहां से चले जाए। बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर हम खुद यहां से चले जाएंगे।
हमें अपने लिए नहीं अलीना के लिए आए थे। हमें डर था कि कहीं हमारी वजह से अलीना को आप लोगों के गुस्से का सामना ना करना पड़े। अब क्योंकि आपने हमारे गिरेबा पर हाथ डाल ही दिया है कबीर साहब, तो हम भी अपनी जुबान खोलने की हिम्मत कर ही देते हैं। हाँ अलीना हमारे लिए खाना लेकर आई थी, हाँ वो हमें डॉक्टर के पास लेकर गई थी, लेकिन ये सब उसने इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। ये सब उसने सिर्फ इंसानियत के नाते एक बीमार आदमी की मदद करने के लिए किया था और कुछ नहीं। और ये इंसानियत उसने आप ही से सीखी है, इन घर वालों से सीखी है। आप भी तो लोगों की मदद करते हैं ना, छोटी छोटी बस्तियों में जाकर गरीबों में कंबल बांटते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। तो अगर आपकी बहन ने एक बीमार आदमी को सहारा दे दिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा कहां लिखा है कबीर साहब कि एक लड़की लड़के का सहारा नहीं बन सकती? दोस्त है तुम हमारे, जो मदद तुमने हमारी की है, हमारे पूरे खानदान की है ना, हम कभी इसका एहसान नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर तुम असल में बीमार होते ना तो तुम अपने दोस्त को बताते या हमारी बेगम जारा को इस बात का जिक्र करते, लेकिन नहीं, किसी को जिक्र नहीं किया, जाके तुमने अलीना को यह बात बताई। क्यों? बहाना ढूंढ रहे तुम, हमारी छोटी बहन से मिलने का बहाना। अरे वो बेचारी नादान हमारी छोटी बहन, उसने तुम्हें सहारा दिया आमिर, और तुम उसका गलत फायदा उठा रहे हो। मसला ये कि हम तुम्हारी ये गंदी नियत का अंदाजा नहीं लगा सके। नहीं कबीर, हमने ऐसा भी आमिर भी हमारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, खुदा के लिए आइंदा हमारी बेटी से ना मिले ना। अम्मी इधर देखिए, अम्मी जैसा आप ठीक समझे। लेकिन हम एक बार अलीना से मिलना चाहते हैं। कभी 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 छोड़, कभी हम बात करें, कभी छोड़। क्यों मिलना चाहते हो तुम अलीना से? हाँ शर्म नहीं आती तुम्हें? एक शरीफ घर की लड़की को ऐसे चोरी छिपे मिलते हो, उसे खाना बनवा के अपने लिए मंगवाते हो? जाओ यहाँ से, हम कह रहे हैं अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। हमें बस एक बार अलीना से बात करनी है, हमें बात करनी है। कभी, कभी। हमारे ख्याल से अब बहुत हो गया। आपको इतना सब कुछ कहने का मौका सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि आपने हमारी बेटी की जान बचाई थी, मगर अब लगता है कि आप रहम का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं, इसलिए चुपचाप यहां से चल जाइए। ठीक है, खुदा हाफिज। चलिए अम्मी। एक मिनट, हमें एक बात बताइए, क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? अम्मी, ज़ारा, ये क्या बोले जा रही हो तुम? ये क्या बेहुदा सवाल कर रही हो तुम ज़ारा? एक मिनट ज़ारा। आमिर मियां, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ज़ारा बस। क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या नहीं? खामोश बोलिए। हमारी बस 3 बार मुलाकात हुई है और कुछ दिनों तक
फोन पर बातें। अलीना एक अच्छी लड़की है और हमें भी अच्छी लगती है। निकाह नामा भी हम बस अलीना से एक बार पूछना चाहते हैं कि उसने हमारी मदद एक दोस्त होने के नाते की या उसके दिल में हमारे लिए कुछ है। आज के बाद अगर हमारी बहन से फोन पे बात करने की भी कोशिश की ना तो एक हाथ तो पहले से गवा चुकी, दूसरा हम तोड़ देंगे। निकलो यहां से। रुक जाओ। इस झूठे निकाहनामे की वजह से तुम हमारे बहन के ताल्लुकात में आए थे ना? आज के आज ये झूठ खत्म। और तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी ना कि हम आर्मी से हम लोगों को बचाते, तो हमारी बहन की जिंदगी को बर्बाद करना बंद करो। कल के कल तुम सरिया बोर्ड जाओगे और वहां एक एप्लीकेशन भरोगे और कहोगे कि तुमने शादी के दूसरे दिन ही हमारी बहन को तलाक दी है। एक महीना वक्फे के बाद तुमने दूसरी तलाक दी और उसके बाद तीसरी तलाक दी। इसका मतलब है कि 3 महीने तक दिन हो चुके हैं उस तलाक को मुकम्मल होते हुए। अब हमारी बहन जहां चाहे वहां शादी कर सकती, लेकिन तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ेगी वो अमित। आपने इस कागज के टुकड़े को तो फाड़ दिया कबीर, लेकिन आपके दिल का बोझ अभी भी पूरी तरह हल्का नहीं हुआ है। ऐसा ही एक झूठा निकाहनामा अलीना के पास भी है, उससे भी उसके टुकड़े करवा दीजिएगा, शायद फिर आपके दिल को पूरी तरह सुकून मिल जाए और मेरा और अलीना का ये झूठा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। और रही बात शरिया बोर्ड जाकर तलाक की एप्लीकेशन देने की, तो अब हामी से है कबीर, देश और इंसानियत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और यहां तो आप सिर्फ एक ऐसी शादी को खत्म करने की बात कर रहे हैं जो कभी हुई ही नहीं थी। मैंने एक मासूम लड़की की जिंदगी बचाने के लिए बिना सोचे उस निकाहनामे पे दस्तखत कर दिए थे। आज उसी की इज्जत बचाने के लिए उसे तलाक भी दे दूंगा। खुदा ऑफिस। ऐसा ही एक झूठा निकाहनामा अलीना के पास भी है,
उससे भी उसके टुकड़े करवा दीजिएगा, शायद फिर आपके दिल को पूरी तरह सुकून मिल जाए। आपकी अब तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। अरे सुनो यार, थोड़ा सा अचार ले आओ। अब एक मिनट, एक तो आपको बुखार है, ऊपर से आपको अचार खाना है। हमने इतनी मेहनत से आपके लिए खाना बनाया और आपको अचार खाना है। आपको पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है, उबला हुआ पका हुआ खाना। आप चुपचाप ये खाइए। ऐसे क्या देख रहे हैं हमारी तरफ? कुछ नहीं। क्या हुआ, खाना ठीक है? वो क्या है ना, कि हमारी अम्मी भी अब्बू को बाहर का खाना नहीं खाने देती। उन्हें बहुत डांटती हैं क्योंकि उनसे बहुत प्यार करती हैं। आप भी हमें इतना डांट रही हैं तो क्या आप भी हमसे हमें आपसे कुछ कहना है? क्या कहना है? यही कि क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ बताइए ना। दरअसल बात यह है ना अलीना, कि आज हमारी जिंदगी में पहली बार हमारी अम्मी के अलावा हमें किसी लड़की के हाथ का खाना इतना लजीज लगा है, और हमारा दिल चीख चीख के कह रहा है। क्या कह रहा है? कि हम आपको जिंदगी भर के लिए अपने पास रख लें। जिंदगी भर के लिए? क्यों? खाना बनाने के लिए। अलीना, हम बहुत देर से देख रहे हैं, ये झूठा निकाह नामा तुमने हाथ में लिया हुआ है, लेकिन तुम इसे फाड़ नहीं रही। अलीना, इतने आसान काम में इतनी देर? लाओ हम इसे फाड़ देते हैं। भाभी, अलीना तुमने अपने भाईजान से तो कह दिया कि अम्मी अबू का पसंद किया हुआ रिश्ता मंजूर है। एक बार हमारी आंखों में भी देखकर कहो कि तुम्हें सच में मंजूर है। सिर्फ तुम्हारे दिल की बात जानना चाहते हैं। हम सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं है, तुम्हारी बड़ी बहन भी है। इसे जो कुछ भी है दिल में हमें बता दो। ठीक है, तुम्हारे दिल का हाल तुम जानो, क्योंकि शादी तुम्हें करनी है और फैसला भी तुम्हें करना है, और हालात का सामना वो भी तुम्हें करना है। भाभी, आप हमारी जगह होती तो आप क्या करती? अगर हम तुम्हारी जगह होते तो अपनी दिल की सुनते। अलीना, शादी ना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। हम जिस लड़के को चुनते हैं उसके साथ सारी जिंदगी बितानी होती है। हम उस लड़के में खूबी देखते हैं कि वो दिल का साफ है या नहीं। हमने कोई एहसान नहीं किया है, बस इंसानियत का साथ दिया है, और अल्लाह ने कहा है कि तुम इंसानियत का साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये देखते वो लड़की और औरतों की इज्जत करता है या नहीं। मैंने एक मासूम लड़की की जिंदगी बचाने के लिए बिना सोचे उस निकाह नामे पे दस्तखत कर दिए थे, आज उसी की इज्जत बचाने के लिए उसे तलाक भी दे दूंगा। और सबसे बड़ी चीज, हम ये देखते कि वो प्यार देने के काबिल है या नहीं। शादी तुम्हें करनी और फैसला भी तुम्हें लेना है, इसलिए तुम खुद सोचो कि ये क्वालिटीज तुम्हें किस लड़के में नजर आती है, और फिर हमें बताओ, क्योंकि हमारा वादा है हम तुम्हारी हक की लड़ाई के लिए मरते दम तक लड़ेंगे। फिर हमें दुनिया से लड़ना पड़े या अपने शौहर से, हम लड़ेंगे।